और गाजा में इसराइल ने मचाई है भारी तबाही। नॉर्थ गाजा पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। आप ताजा तस्वीर देखेंगे नॉर्थ गाजा की तो हैरान रह जाएंगे। ये देखिए, ये तस्वीर सबसे ताजा तस्वीर उस इलाके की है जहां पर इसराइल की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और एयर स्ट्राइक में पूरे नॉर्थ गाजा को तबाह किया जा चुका है, बर्बाद किया जा चुका है। गाजा में हर तरफ तबाही का मंजर आपको नजर आएगा, हर तरफ जमींदोज इमारतों का मलबा दिखेगा। बर्बादी की ये सबसे नई तस्वीर है जो नॉर्थ गाजा से सामने आई। तो ये तस्वीर अपने आप में भयानक है, भयावह है। युद्ध का कैसा मंजर यहां पर नजर आ रहा है। एक बार हम इंफॉर्मेशन वॉल पर आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि ये ड्रोन फुटेज सामने आई है, सबसे ताजा सबसे लेटेस्ट वीडियो इस वक्त हमारे सामने है। ब्रिगेडियर शरदेंदु, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप और करीब आ जाएं। आईडीएफ की तरफ से जो ताजा हमले किए गए, जिस तरह से ग्राउंड ऑपरेशन नॉर्थ गाजा में चलाया गया और जबरदस्त एयर स्ट्राइक की गई, उसके बाद देखिए पूरा नॉर्थ गाजा तबाह हो चुका है, यानी एक तरह से समतल करने के इरादे से आईडीएफ यहां पर आगे बढ़ रही कहा जा सकता है। देखिए जिस तरीके से आपके ये ग्राफिक्स हैं काबिले तारीफ हैं, ये लेटेस्ट ड्रोन शॉट है सर। ये देखिए आज के डेट में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड है, कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है जिसके ऊपर टीएनटी नहीं किया रहा है, जिसके ऊपर एयर स्ट्राइक नहीं हुआ। देखिए एक सिरे से नॉर्थ टू साउथ पूरा का पूरा बिल्डिंग तबाह है। जनरली होता है कि पॉकेट्स में एक स्पेसिफिक बिल्डिंग को टारगेट किया जाता है, यहां पूरा का पूरा एरिया देखिए डिस्ट्रॉय है और इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कितना टीएनटी, कितना आरडीएस, कितने एयर स्ट्राइक की होंगी है। तो एक हमास के सैनिक को मारने के लिए 10 के बराबर टीएनटी गिराया गया, इस तरीके की तबाही है। इससे देखिए मानवता शर्मसार है। लेकिन इसराइल तो यह कहता है सर कि हम नॉर्थ गाजा में हमास के सेंटर्स को, अड्डों को, हमास की टनल्स को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। यहां तो पूरा नॉर्थ गाजा ही बर्बाद कर दिया। ये देखिए इसको कहते हैं टोटल डिस्ट्रक्शन। एक को मारने के लिए आपने 100 को मार दिया, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये इससे देखिए मानवता शर्मसार होती है। हम आज जिस युग में जी रहे हैं उसमें इस तरीके तस्वीरें दिखाना अपने आप को शर्मिंदगी महसूस होती है। कितनी बड़ी तबाही हुई है और वहां जो लहर रहे होंगे उनकी कितनी कैजुअल्टी होगी, कितनी त्रासदियों के साथ वो उन्होंने सफर किया होगा। और देखिए कोई बचा नहीं है यहाँ, बिल्कुल या तो छोड़ के चले गए या डिस्ट्रॉय हो गए। अब इसमें बात करना कि टनल है या कमांड सेंटर है तो बेवकूफी होगी, ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है। लेकिन तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही है और इस युद्ध की बहुत दर्दनाक कहानी इन तस्वीरों के जरिए बयां होती है।